भारत माता की, भारत माता की। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर आदो दे फुटबॉल टूर्नामेंट में शरीक हुए मेरे बड़े भाई, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री गदोरी जी, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्पेशल गेस्ट के रूप में आए मोकाओ मोमा रहते जी, असिस्टेंट इंजीनियर WRD आलो वेस्ट डिवीजन, मेरे बहुत ही करीब और रेस्पेक्टेड JPC तुम्पते जी, बहुत ही आदरणीय और वरिष्ठ पूर्व मंत्री पिता दो यादव जी, रेस्पेक्टेड उंगोरी तपा कापना वन ऑफ द पर्सनैलिटीज अबो गादा मध्य जी, एक्स MLA another respected abo liyate ji, ok organizing committee niga gaton, ok JPM ok nyami JPM nyami, ok beta minto ate ji डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी, ओके हिलोग आन HG20 पोनु पार्टीज दाउस दरका आलो वेलफेयर सोसाइटी, पिता रेमी लोई जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर WRD मुझाई होगो आलो होगो आलिक दू लोम लोपी ये बा, मेरे बहुत ही करीब मेरे मित्र न्योबो गुमकेन लोलेन जी, म राष्ट्रीय स्वयं संघ RSS लो प्रांत सह कारवाह भेदु, मेरे छोटे भाई इकेन बाम यंग अप्रेंट ऑफिसर सर्कल ऑफिसर कोम्बो के, और गुंगो रिगो का गुमिन गदे नरु अहिलोग आन गदे नरु, और आज के दोनों फाइनलिस्ट दारका फुटबॉल क्लब और हुमगोरी वो फुटबॉल क्लब, छोटा भाई गमोत टूर्नामेंट के चेयरमैन, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट मोक न्योबो संजीव दे जी, जिनके बगैर ये टूर्नामेंट होना संभव नहीं था। इनमें इलो मो माजीब मुकेंदु, इन पर्टिकुलर होगा टूर्नामेंट होगो इन एक उन बसोर होगो सिन मोम इन्विटेशन को जीतो मुझे इनवाइट किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश किन्हीं निजी कारणों के कारण मैं उसमें नहीं आ सका पिछला साल। इनमें वो विधायक MLA इरो को कुब शायद दोनों पोलों का भगवान का प्रभु राम का ये मर्जी था शायद कि मैं विधायक बनूं और इस टूर्नामेंट में
चीफ गेस्ट बन के आओ। संयोग संजीव ने माजी पोई दोना, योग संजीव से भी मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। जैसे मेरे बड़े भाई आसी गदो ने बताया, योग संजीव के साथ लोग का पुराना रिलेशन मौकसिन सेम भाई योग संजीव के साथ लोग रिलेशन को कादू वो इटालगर बोल गई मेरे अलजाबे हिंदू ही इज ए जेंटलमैन टू द कोर हम लोग वो हिंदू ना इनमें मैं दोन पुरम खूब जागना किसी को दामाद दे न्योप मग बोजियम न्योप संजीव गए ना को जितका तमला तुम दागला शिक्षा से जैसल में ही है इनमें मैं न्योपो को रिक्वेस्ट करूंगा आपने बोला 3 साल का आपका कार्यकाल है लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हो सकेगा तो आप इसको इस टूर्नामेंट को आप सहायता देता रहे और 3 साल तक मत सोचिए आपका सहायता आप देता रहे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। इनमें एक मेन वो तोरेला वो लास्ट डीएफए का टूर्नामेंट को लो हो तुझ तो लास्ट ईयर अगेन लास्ट ईयर इनमें अगोसिन वो उंगोरी गो का लीगेसी फुटबॉलिंग लीगेसी स्पोर्ट्स के लीगेसी बारे में ऑक्सीन में पाता अगर बार बार वो रिपीटेशन सीन इलिमा लेकिन अगर नरवा हेंसी दू हंगरी को टीम हंगरी को फुटबॉल टीम ही की दर का टीम मनु अरुणाचल का ब्राजील टीम हम बोलो सीन गलत नहीं होगा फुटबॉल फैक्ट्री भी दू लास्ट टाइम भी मैंने इस विषय को बोला था तो बार बार मैं दोहराना नहीं चाहूंगा लेकिन फिर भी ऐसे वक्त में अब वो मुग्धवत गए ना प्लेयर नेशनल लेवल तक जो पहुंचा है अब वो इकेनियत गए ना प्लेयर अब वो कारदा गए ना प्लेयर फिर तो केंतो पादुबुरु गए ना प्लेयर को अगर आज मेंशन नहीं करेगा तो जाति होगा क्योंकि मुनु गए लोग कई ताक दौला फुटबॉलिंग दार का फुटबॉलिंग लीगेसी है वो कैरी ओवर हो रहा है। इनमें वो हिम फुटबॉल लेगेसी हिम कंटिन्यू पर लगी तो हम लोग मुझे लगना और क को जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड लो असी गए दो सिन डिटेल बन में का के लिए हम ड्रग्स इल्बलो ड्रग्स यो वन नगर नगर तंबाकू का ड्रग्स नगर नगर चरस अफीम गांजा एको क्या का नारु वा इल्बल का यूथ का तो इफेक्ट दू इनमें स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजियम इवेंट ऑर्गेनाइजियम ओमेगा द आउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन समय पा दू इनमें इम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज ना कर यूथ का ऑर्गेनाइजर का तो फिर माजी को एक दूना नू हम यूथ अब एंगेज के कला इलमल का युवा वर्ग को आप एक बिजी रख रहा है ताकि वो डाइवर्ट न हो मुनम मन में डाइवर्ट मोटो माजी बाल दो अमला ऑर्गेनाइजर ना रू हम वो कोई एक दागला और वेरी नाइस अमला को मेन दागला अगर मेंटेला टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी वो अजी को वो का इजाग भारतीय सरकार का तिरंगा यात्रा बारे में अजी को वो मेंजी है उन का भारतीय सरकार का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का नेतृत्व लो हर घर तिरंगा अभियान वो इदू इनमें लास्ट 5 दिनों के वो अगो इंजाबला इदू इनमें अगर अभियान अगर नाम नाम लो तिरंगा हम फहराई दो बे इनमें लखो वो इंडिपेंडेंस पार हो को देशभक्ति का भाव बहुत था लेकिन स्लोली लास्ट पिछले 60 साल में उनके लेथार्जिक एटीट्यूड कुछ क्या रीजन था देशभक्त देश प्रेम भाव अजीना को कमती इले तो इन आफ्टर कमिंग इन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी आफ्टर कमिंग ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट देशभक्ति देश प्रेम देश भाव की माजीब एम्पेटस जीतू देश के लिए मर मिटना है देश के लिए मुनुक ड्यूटीज
अलजाब बेंतो मुधम ला मुनम लीड लाई दू इन हिगिम से देश प्रेम देश भक्ति देश भाव नुनम नरुम हो मुदगा अमला मो तुम लगना इन म मो अलगलो हो लास्ट ओ आदो हो दरका हुंगोरी गो के इंटरनल रोड बाबुल सिन बेंतो फील्डिंग सर्वे का तो गो प्लान दू कि एक स्टेडियम को वो कोशिश करेगा कि किसी भी करके वो भरपूर कोशिश करेगा कि इसको बनाने का कोशिश करेगा हमला गोमेंद अगला हिलो कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में अजीना बेंजी है हिलो नारू दू दू So it is an opportunity for me to constituency ka jo takleef hai jo backwardness ke bare mein hajira ko benji hai mo ija electela ya 2 mahina ka ko just 2 mahina hua hai aur mujhe ye dikhai de raha hai ki wo kan mein guru constituency hamara constituency jo hai sabse backward constituency hoga aur na chal raha ek samay tha इट वॉज द मोस्ट फॉरवर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी लेकिन आज अगर मैंने अच्छा से बारीकी से देखा है इट विल बी द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी पर्टिकुलरली पिछले 10 वर्षों में जो बिल्कुल कान में कुछ हुआ नहीं है हम लोगों का एग्जाम्पल को अजी को जी है बैकवर्डनेस बाबम आप देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी इतना बड़ा है आज मैं कोदुम गया कोदुम में झंडा फहरा के आया तो वहां से यहां तक आप मान लीजिए अनुमान हो कलायम तू आप एक चक्कर लगाने से भी आपको वो इलेक्शन ऑफ टूर इनियम आपको 3 दिन लग जाता है अगर आप 10 रुक रुक के जाता है पूरा कवरेज करने के लिए डेवलपमेंट टूर करने के लिए इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है लेकिन समहाउ हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ कुछ डेवलपमेंट क्यों नहीं कुछ कुछ चीज है जो क्यों नहीं हुआ मुझे अभी भी कंफ्यूजन है जैसे मैं बताता हूं गुरु को कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पीडब्ल्यूडी का डिवीजन ऑफ डिवीजन नहीं आपको हम बता रहे हैं गुरु वो बसार में पीडब्ल्यूडी का डिवीजन है लिखावाली में पीडब्ल्यूडी का डिवीजन है धूमपरी में पीडब्ल्यूडी का डिवीजन है नारी में है योमचा में है मेचुका में है रुंगो में है लेकिन आलो में नहीं है अब वो क्यों नहीं है वो उसको मैं उस पर I don't want to dwell on it. लेकिन मेरा ख्याल से one of the only few constituencies जहां में PWD का division office नहीं है। ओके कुदा काम में electrical department लो उनके separate sub division का मां आलो व्यस्त ही। और ना चल में ऐसा कोई constituency नहीं है जहां में electrical department का sub division नहीं है। Rural works department में आप देखिए एक सेपरेट सब डिवीजन अरुणाचल में ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां में रूरल रिसोर्स डिपार्टमेंट का सब डिवीजन नहीं है और तो और अरुणाचल में मेरे ख्याल से यही ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा जहां में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं और भी बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहूंगा लेकिन अब बैकवर्ड ना दो दू तो हमको जो बैगेज मिला है अगर माजी तकलीफ ना बैगेज को पात हुआ इनमें वो अपना लेवल में जितना हो सकेगा आने वाला 5 साल में जो भी कमियां हैं उसको धीरे धीरे करके फेज वाइज टेकअप ले रिक्वेस्ट आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा जो 10 साल 15 साल में जो चीज नहीं हो पाया गम एक फुटक बना रोन माई तो धीरे धीरे होगा आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए हमला वो नरुम कुम दगना आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि अरुणाचल 30 आल ओवर ठीक सीन कब कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक बराबर लो खूब लगी तो हमला वो मुझे ना ज्यादा समय नहीं लूंगा लास्ट समय तो बहुत ले लिया फिर भी थोड़ा सा बीइंग द चीफ गेस्ट आप लोगों से और थोड़ा सा वक्त लूंगा अगना बोलूंगा स्पोर्ट्स बाबलो में नियम उन्होंने माजी बा लक्की दू ऑनरेबल सीएम माजी बा उन्होंने माल बा मुझे दो लाख उन्होंने जगह हो कर
West yang oka sports minister motu oka banja ento jini ne motu in we are very hopeful ki mune tal me ik dola sports activity ya me bahut develop hoga mu du alo holo sin gom bolo petrol gom bola west yang sports association ka de to unko bhi maine bataya ki honorable minister se baat karke sporting activity ko kaise karke west yang un badhaga hai un ka ka hai un plan karega क्योंकि वेस्ट सियांग का एक हिस्ट्री है फुटबॉल का कब कब स्पोर्ट्स का भी और स्पोर्टिंग एक्टिविटी है मुनु वंस उस रिच पास्ट ग्लोरी है मुनु रिच हिस्ट्री हम पाकुर दो कायला जो हम ला वो मुनु मैं कहता हूँ वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट एंड इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा मेरे साथ पर्टिकुलरली कोच मुफा महात्मा वो साथ लो वो टीम का यहाँ को आज मुनम सिंह एकॉम्पनी राजीव एल्बम मिलता ओक मोक मिसेस का साथ लो सिन मुझे लेडीज ग्रुप का दसिन आदु नारी शक्ति नमून अब सिन माजीब थैंक यू हम दागना साथ में आने के लिए ओक जैसे को जो आसी में का दिस ईयर हैज बीन अनाउंस इस ईयर ऑफ यूथ इन व यूथ का दिल लगा वही बहुत सॉरी की स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू इन व इस साल हम यूथ को बढ़ावा देने का पूरा कोशिश करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्हीं चंद शब्दों के साथ वो अजी गो अमन गो ही गो ही गसातु मैं हमेशा कहता हूँ तोहफा देने वाला का नियत को देखिए उनका तोहफा का कीमत को मत देखिए अजी गो अमन गो गा दू वो का बेटर हाफ ने अजी ना हुआ तो हम यह ईद का और कहीम का दिन कमिटी है अजी ना गो मुन आज अलग अलग रिसीव जीप का हमला वो रिक्वेस्ट डाला तो आई विल रिक्वेस्ट माई बेटर हाफ टू कम डाउन इन द डायस in the stage first ba he ponu party go ponu party a maji go aaj ka hamla request tak na ponu party a agar no aaj ko request anu lari jeep ka hamla request tak na kum dagla please okay he ponu party बी हमसे रिक्वेस्ट करना इम अमन इम लाजू जी का और कपोनु पार्टी सी एक सर और कई पोनु पार्टी सी हम रिक्वेस्ट करना होगा जी वो आज बका हमला तो हम करना और कपोनु पार्टी डी हमसे आजी को रिक्वेस्ट करना अमन इम लाजू जी का हमला ओके जीबीज गांव बुरा गद लगा बाजी को ही छोटा सा एक तोहफा है ही मजीने वलाज पे कमला रिक्वेस्ट दाग नकुम दागना जीबी का रिप्रेजेंटेटिव ईएसई नाम को लाज पे कमला रिक्वेस्ट दागना ओके लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऑर्गेनाइजिंग टीम उन नंबर कुम दागना ही बाजी को रिसीव टिप कमला आजी को आमान को ऑर्गेनाइजिंग टीम का कैप्टन गमोतो साहब ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन एंड थैंक यू वेरी मच जय हिंद।